ब्यावर चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिरकार भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत ने अपना पहला नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है आज के दिन का। ऐसे में आपको बता दें कि कुल 36 नामांकन पत्र अब तक निर्वाचन विभाग कार्यालय से लिए गए थे, उसमें से सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत ने अपना पहला नामांकन पत्र आखिरकार दाखिल कर दिया है। शुभ मुहूर्त के चलते रैली से पहले भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत ने अपना नामांकन भरा है। आपको बता दें कि अशोक पैलेस सेंद्रा रोड से एक रैली का आयोजन होना था, जो कि शंकर सिंह रावत के समर्थन में रैली का आयोजन होना था, लेकिन शुभ मुहूर्त के चलते देरी होने के चलते शंकर सिंह रावत पहले निर्वाचन विभाग कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, और उसके बाद अब अशोक पैलेस से रैली का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, नारेबाजी यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि 3 बार विधायक बनने के बाद में चौथी बार शंकर सिंह रावत विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा पार्टी ने एक बार फिर शंकर सिंह रावत पर अपना भरोसा जताया है। ऐसे में अगर बागी उम्मीदवारों की बात करें तो महेंद्र सिंह रावत पहले ही चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, निर्दलीय चुनावी घोषणा वो पहले से कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा से बागी के रूप में इंदर सिंह बागावास और महेंद्र सिंह रावत दोनों जो निर्दलीय उम्मीदवारी के तौर पर यहां पर अपनी घोषणा कर चुके हैं, सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करवा सकते हैं। ऐसे में 9 नवंबर को ब्यावर के चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी अपडेट की पहले नंबर पर भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। आज राजस्थान विधानसभा का फॉर्म सबमिट किया है। समय के हिसाब से चौकड़िया और सारा टाइम टेबल पंडित जी बताते हैं, उस अनुसार किया है और फॉर्म सबमिट कर दिया है। मैं शंकर सिंह रावत विधायक ब्यावर और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। हमारे जुलूस अभी आ रहा है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे हमारे सामने इस राजस्थान के अंदर जो कुशासन हो रखा है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, और जिस प्रकार के जो अपराध बढ़ रहे हैं उन सब पर अंकुश लगाने के लिए और सुशासन लाने के लिए निश्चित तौर के ऊपर इस शासन में जिस प्रकार की अराजकता हुई है, लोगों का विश्वास हटा है, उस रूप को वापस कायम करने के लिए निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार भी पहले भी कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय में इन्होंने उनके राष्ट्रीय लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी पधारे थे जयपुर, उस मीटिंग के अंदर और इनका घोषणा पत्र में भी है, उन्होंने 1 से 10 तक गिनती बोलने के बाद इन्होंने ऐसा राजस्थान की जनता को भ्रमित किया था कि हम आप 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की गिनती बोलने के बाद बस आप ये मान लीजिए हमारी सरकार अगर आई तो 10 दिन के अंदर राजस्थान के संपूर्ण काश्तकारों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आज तक वो कर्जा नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, इसलिए राजस्थान के किसान भाई उनकी इंतजार कर रहे हैं। दूसरा वादा नौजवानों के साथ में खिलवाड़ किया था कि निश्चित तौर के ऊपर हमारी सरकार आएगी तो जितने भी जो राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार हैं उनको घर बैठे 3500 रुपये मनी ऑर्डर से उनके पास पहुंचेगा। आज राजस्थान के नौजवान सब उस कांग्रेस सरकार के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं कि आपने झूठे वादे करके ये सरकार, और बिजली की हम तीसरा वादा इन्होंने घोषणा की थी बिजली के रेटे नहीं बढ़े, कितनी बार 17 बार इन्होंने रेटे बढ़ा दिए, राजस्थान की जनता आज उसके इंतजार कर रही है। इसलिए जितने झूठे वादे किए हैं इस झूठे वादे की सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकने के लिए ये एक संकल्प के रूप में और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आए और डबल इंजन की सरकार बने। ब्यावर का मुद्दा जो हमारी जल और जिले का जो हमने लिया था और दोनों वादे हमने जनता के सामने पूरे किए हैं, और अभी जो ब्यावर के विकास का डेवलप का ब्यावर अपना रूप बदलेगा और नया रूप इस कार्यकाल के अंदर कायम होगा, यही मैं आपको विश्वास दिलाते हुए अपनी वाणी को ऐलान देता हूँ।